मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के दिल की बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारे दिल की धड़कन, आप लोगों के दिल की धड़कन, बहुत से लोग तड़प रहे थे कमेंट में, कहाँ है हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये लो टोपी के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब हाजिर हुए, फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है। एडम सीकर साहब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपका फेवरेट मर्तद आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत। और हामिया जी ने तो आज फटे चकते थे यार, कि कितना हामिया जी कोई फटा छटिया भी सी तुसी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अभी बहुत कुछ है मेरे पास। मैं तो चाहती हूँ लोगों को बताऊं कि इसमें क्या क्या है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि ये है चीजें जिसको आप अकीदत से आंखें बंद करके यकीन करके बैठे हैं, असल हकीकत में बताना चाहते हैं उनको। बहुत बहुत सत्य फरमाया आपने, बहुत अच्छे तरीके से फरमाया आपने, मैं सुन रहा था और बहुत ज़बरदस्त। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, बाकी सारी किसी और चीज़ में ऐड नहीं करूँगा, लेकिन इस चीज़ में ऐड करूँगा कि अल्लाह के नाम से भी एक गॉड था वहाँ पे। और अगर आप सर्च करें, अल को सेपरेटली लिखें और लाह को सेपरेटली लिखें और बीच में स्पेस डालें, क्योंकि अल इज़ जस्ट अ डेफिनेट आर्टिकल which makes some common noun as a किसी भी common noun को वो एक proper noun बनाता है। तो अल्लाह को अगर आप Google पे भी search करें तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे एक moon god जो था वो कहलाता था अल्लाह। अच्छा, moon जो है ये हमेशा से ही की सूरत में represent हुआ हुआ है old उस इलाके के scriptures के अंदर, और सूरज जो है वो शी की सूरत में represent हुआ हुआ है, बिकॉज मून जो है वो ठंडी ठंडी रोशनी देता है, और वहाँ पे चूंकि एक बाय डिफॉल्ट गर्मी है तो ठंडी रोशनी को पसंद किया जाता था, और इसी वजह से अल्लाह भी अपने आप को नूर कहता है, और नूर से और सूरज सॉरी चांद से निकलने वाली रोशनी को भी नूर कहा गया कुरान के अंदर। तो अल्लाह जो है वो मेल वर्जन है, और अल्लाह जो है वो अल्लाह का फीमेल वर्जन है। जो मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह को आप फीमेल नहीं बना सकते, स्टूपिड इडियट्स, कुरान के अंदर ही अल्लाह का फीमेल वर्जन है जिसे अल्लात कहा जाता है, और उस जमाने में अल्लाह और अल्लात जो हैं वो मेल और फीमेल गॉड एंड गॉडेसेस थे, और उनके दो बच्चियां थी अल उज्जा और अल मनात, और ये सारी चीजें वहां की हिस्टोरिकल ओल्डर टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि रॉकन स्क्रिप्चर्स नहीं हटाए जा सकते। इस्लाम ने पेपर और पपायास को जला दिया, लेकिन पत्थर, रॉकन स्क्रिप्चर जिसे कहा जाता है, पत्थर उसको नहीं मिटाया जा सकता। सो पत्थर डिग करने पे जो भी इन्हें स्क्रिप्चर्स मिले हैं उसके मुताबिक ये सारी चीजें आज भी मौजूद हैं, इस वक्त उन्होंने निकाल ली हुई है। बाकी जितनी बातें आपने कही हैं बिल्कुल सत्य कही हैं। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप इस एंगल के ऊपर भी सर्च करें और आपको ये वाला एंगल भी नजर आएगा। सो अल्लाह भी कोई नया गॉड नहीं निकाला उन्होंने, ये भी पहले से मौजूद था। इसलिए कुरान की आयत कहती है कि वहां के कुफारे मक्का ने मोहम्मद को कहा कि मोहम्मद तुमने कोई नई काम तो किया नहीं है, तुमने तो यू जस्ट कंबाइंड ऑल द गॉड्स इनटू वन गॉड्स, यू जस्ट कंबाइंड ऑल द गॉड्स इनटू वन गॉड, तुमने कोई नया काम नहीं किया, तुमने कोई अजीब काम नहीं किया, तुमने सिर्फ एक अजीब काम किया है, नया नहीं किया। सो ऑसम ऑसम प्रेजेंटेशन, clapping from my side, very well done, बहुत शुक्रिया आपने ये ऐड किया। मैंने ये मून गॉडेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मैं दोबारा इसे दोबारा फिर पढ़ूंगी सर, मैं इस पे पढ़ा था एडम से के साथ, मैं दोबारा पढ़ूंगी इस पे। जी बेहतरीन बेहतरीन, मून गॉडेस नहीं मून गॉड है यार। हाइमा जी, हमको तो ऐसा लग रहा है गॉडेस हमेशा मेल है। एडम साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमको जो है ना एक फीमेल एडम सीकर भी हमको मिल गई है विद सच अ ग्रेट नॉलेज, और सबसे इनकी जो खासियत है वो है पढ़ने की। जैसे आपको पढ़ना पसंद है ना, आप कुछ नहीं छोड़ते, सब पढ़ देते हैं, तो इनकी भी ये खासियत है कि इन्होंने बहुत सारी चीज पढ़ ली है। ऑसम जी ऑसम, मैं वही देख रहा था सुन रहा था आई मीन, और वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी नाइसली रिसर्च एंड लाइक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लव्ड इट।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा हाइमा जी कि जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, आप कह रही थी कि आपको बहुत सारी चीजें अभी भी बताना है, तो हम क्या करेंगे, आप कोई एक आपका जो है वो फेवरेट टॉपिक आप रेडी करिए, प्रेजेंटेशन बनाइए, हम फिर से एक पॉडकास्ट साथ में करेंगे। हमारी तो अभी जब तक जिंदगी है हमें तो नॉलेज बांटना ही है, आप लोगों के जरिए से ही मुझे इस चैनल से बांटना है। तो आप एक टॉपिक सिलेक्ट करिए, प्रेजेंटेशन बनाइए और हम फिर से शेड्यूल कर देंगे अपनी स्ट्रीम, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ऐसे करते हैं। है ना जी? बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी, बहुत अच्छा लगा और लोग भी काफी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों की चैनल की रीच जरूर बढ़ेगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरे चैनल के जरिए से जो भी एक्स मुस्लिम आते हैं हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। मेरी और एडम सीकर की बात हमेशा यही होती है और पहले से हमने ये तय किया है कि हम दोनों को सिर्फ नहीं रहना है, हमें बहुत सारे लोग चाहिए, अच्छे अच्छे लोग चाहिए जो इस एक्टिविज्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। हमको कोई यहाँ पे जो है मुझे या एडम को कोई वो मोनोपोली सेट नहीं करना है ना? बहुत से लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये एडम और साहिल जो है ना ये बॉस बनना चाहते हैं, तो भाई हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है मोनोपोली का, बॉस बनने का। हम तो चाहते हैं कि आप जैसे कई सारे लोग आए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रमोट करने की। और अभी मेरे ख्याल से आप लोगों के 6,000 कुछ सब्सक्राइबर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। जितने लोग नए लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अभी हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो फिर से इनके चैनल का लिंक शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। प्लीज आप लोग, इतनी नॉलेज यार, इतनी नॉलेज, दिल खुश हो गया मेरा आज। तो आप जो है इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिनको नहीं मालूम है अभी लिंक शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। प्लीज 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 आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इनके जो स्ट्रीमिंग टाइम्स है, कुछ अगर फिक्स डेज है आप लोग उसको देखिए और इनको खूब सपोर्ट करिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक्स मुस्लिम साजिद भी जुड़ चुके हैं। साजिद, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं भी एक बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम, बहुत नॉलेज वाला एक्स मुस्लिम आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। वाह जी वाह, खुद की तारीफ खुद की जबानी। हाय मेहा मिट्टू, थैंक यू साजिद, थैंक यू तू सही मोहम्मद बनता जा रहा है। हाँ है ना, हालांकि मोहम्मद 25 साल के मैंने नक्शे दिया कदम तो पे चल कुछ रहा है। तो, हाँ कुछ तो असर बाकी रहेगा ना, खींच खाच के निकाल दिया, कहीं फेफड़े में फंसे हैं तो निकल जाएंगे वो भी पथरी की तरह। बहरकैफ हाइमा जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन यार, लेडी एडम, वाह क्या बात है, जबरदस्त है नॉलेज की मलिका। बहुत शुक्रिया साजिद, बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे मैं हाँ जी डे बिफोर यस्टरडे या यस्टरडे आई फॉरगॉट किस दिन, मैं देख रहा था आपके चैनल पे, एक छोटी सजेशन दूंगा, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। योर चैनल इज डूइंग प्रीटी गुड। और वो सजेशन ये है कि हालांकि मैंने वहां पे लिखा भी था यार, जब आप लोग छह जी बंदे हाँ या जी सात हाँ बंदे एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं ना फ्रंट पे स्टेज पे, डोंट एक्सपेक्ट अ मुस्लिम टू जी ज्वाइन इन। लाइक बहुत रेयरली होगा कि कोई अंदर ज्वाइन करेगा, यू नीड टू बी वन और टू। दो बंदे बैठे हैं, एक बंदा बैठे हैं, बहुत तीर मार लो, तीन बंदे बैठो तो मुस्लिम ज्वाइन करेगा। अदरवाइज लाइक व्हाई वुड एनीवन ज्वाइन व्हेन ही सीज लाइक सात लोग में से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो नोबडी विल गोइंग टू ज्वाइन। सो यू नीड टू लाइक रिड्यूस योर पैनल, इंक्रीज योर स्ट्रीम्स, रिड्यूस योर पैनल, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, एंड दैट्स हाउ इट विल बी बेनिफिशियल। स्पीक मोर विद द वेरी गुड सर, मुस्लिम्स रादर देन विद नॉन मुस्लिम्स। जी वेरी गुड बिल्कुल, हमने सजेशन कल एडम, डिस्कस बहुत किया था, आपकी ये सजेशन हमने कल डिस्कस की थी और हमने इस पे फाइनलाइज इसको कर लिया। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी हमें, हमने इसको कर थैंक लिया यू, था। आपकी आपकी बात सर आंखों पर। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। अच्छा अब हमारा इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग तो अभी भी था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और लेकिन इसमें और चार चांद लगाने के लिए जो नेक्स्ट सेशन है हमारा वो है मोमिन हजरत के साथ डिस्कशन करना। तो अमित साहब जो है अभी लिंक शेयर कर देंगे, अगर मोमिन हजरत जितने भी है वो हाइमा जी ने जो बातें कही है अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या आपको इस्लाम सही लगता है, क्यों सही लगता है, हम सारे लोगों को भी इस्लाम क्यों कबूल करने ला चाहिए, ये आप जो है वो जुड़ के हमें बता सकते हैं, हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जी अमित साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा एक तो नूरी जी शायद जुड़ना चाह रही थी, तो नूरी जी आप फटाक से ज्वाइन कीजिएगा, और कोई भी नॉन मोमिन प्लीज 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 ना जुड़े, डायरेक्ट बैन होंगे। हाँ
अच्छा एडम साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं एक्चुअली तभी हाइमा जी ने जब वो डिस्कशन स्टार्ट किया था, जो चीज उनको चुभी थी उसमें से एक चीज ये थी कि भाई वो अल्लाह ने जो है वो हमको नाकी से अकल कहा है, आदि गवाही वाली कहा है, जो कि इनको बहुत चुभी। तो एक हमारे वजड़ी मौलाना है, मुफ्ती है, उनकी एक ऐसी वीडियो मेरे पास आ गई। तो चिचा इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे थे, भाई वो जो आधी अकल या नाकी से अकल कहा जा रहा है वो एक्चुअली इमोशन की बुनियाद पे, वो कोई औरतों की बेइज्जती नहीं की जा रही है, वो इमोशन की बुनियाद पे कहा गया। मुझे इतनी हंसी आई, मतलब ये, और मोमिन हजरात इतने बेचारे भोले और दिमागी अपंग होते हैं कि इनके एक्सप्लेनेशन से वो खुश भी हो जाते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह करने लगते हैं। मेरा सवाल ये है, बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मोमिन हजरात है ना, दे डोंट थिंक, दे हैव स्टॉप थिंकिंग। बिकॉज दे हैव स्टॉप थिंकिंग, वो जो सुनते हैं अपने मुफ्ती की जुबानी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ना उन्होंने थिंक करना है और ना उन्होंने रीड करना। और साहिल भाई, मेरे और आपकी अक्सर बात होती है मोमिनों से, मैं क्या कहता हूँ उनको, मैं कहता हूँ भाई इसको स्टडी करके आओ, भाई इसको स्टडी करके आओ। आप भी यही कहते हैं, भाई इसको स्टडी करके आओ। क्यों कहते हैं? हम इसी वजह से कहते हैं कि आप जब स्टडी करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, यू विल कीप ऑन बिलीविंग व्हाट योर स्टूपिड इडियोटिक शेयर हैज सेड। तो साहिल भाई यही प्रॉब्लम है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ना रीड करना है कि मोहम्मद ने तो ऐसा नहीं कहा। मोहम्मद को उस वक्त इमोशंस का, जज्बात का लफ्ज अरबी में नहीं है क्या? मोहम्मद के हदीसों में जज्बात नहीं है, एहसास नहीं है? बिल्कुल है। मोहम्मद ने जब एक औरत को बोला था कि तू बुढ़ी होने से पहले मर जाएगी, वो गुलाम औरत थी, वो चली गई मोहम्मद की एक और बीवी के पास, तो वहां जाके उसने क्या कहा था, हफ्सा के पास उसने जाके क्या कहा था कि मोहम्मद ने मुझे बदवा दे दी है, राइट? एहसास, जज्बात, इन तमाम चीजों के लफ्ज अरबी में मौजूद पड़े हैं और उस जमाने में चल रहे थे। Now, how idiotic one would have to be कि वो मुफ्ती की ये वाली stupid idiotic answer लेके माशाल्लाह सुभानअल्लाह कर दे। It shows that they have stopped thinking, they have stopped realizing, they have stopped rationalizing, and that's how things goes in a tangent. The day they read, बिल्कुल, it's done. जी साहब ने बिल्कुल आपने सत्य फरमाया एडम साहब, के कहीं ना कहीं मोमिन हजरत को खुद सोचना चाहिए कि उनको इसी दिमागी अपंगता में रहना चाहिए या खुद का दिमाग भी चलाना चाहिए। आप, मैं आपको बस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं और उसके बाद आप खुद सोचना कि वजड़ी ने, मुफ्ती वजड़ी ने ये आपको सही चूरन दिया है या गलत चूरन दिया है। आज की तारीख में देश की प्राइम मिनिस्टर से लेके कई सारी कंपनीज की ओनर फीमेल है, नासा में कई सारी फीमेल है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े रोल में, बिजनेस जिनका, वो जो सेल्स का पूरा जिम्मेदारी है वो फीमेल के ऊपर है। आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकल सोचने को आपको दे रहा हूं और उसके बाद खुद फैसला करना, क्या मंथली पीरियड आने की वजह से या इमोशंस बहुत ज्यादा है फीमेल के अंदर, क्या इसके वजह से उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है, उनका दिमाग कम चलने लगता है? क्या कभी ऐसा होता है? आप लोगों ने देखा, जितनी फीमेल हजरात जो काम करती है, इमोशंस के वजह से आप जब काम करने जाती है तो डू यू टेक रॉन्ग डिसीजंस इन योर वर्क? वहां पे आप नाकी से अकल हो जाती है, डिफिशियंट इन नॉलेज हो जाती है। खुद सोचो आप लोग, दीज गाइस आर सिंपली फूलिंग यू सिर्फ अपने रसूलुल्लाह को बचाने के लिए। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल चीज देखो आप। जी एडम सर, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लो जी पीरियड्स आए हुए और लड़की जो है, क्योंकि बाज लेडीज को पीरियड्स के अंदर पेन भी होती है और वो स्ट्रेस में आ जाती है। चलो जी, इस दुनिया में वो कुछ काम कम कर सकती है, ओके फेयर इनफ, आखरत का क्या ताल्लुक है? नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? पीरियड्स आ रहे हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? पीरियड्स आ रहे हैं, रोजा क्यों नहीं रख सकती?
What does period has to do with namaz, roza, hajj या उमरा? साहिल मेरी फैमिली में, मैं अब अपनी एक बात बताने लगा, और बहुत सारी ये मेरी फैमिली तक नहीं है ये, इट हैज टू डू विद एवरी अदर फैमिली इन द वर्ल्ड. मेरी फैमिली में एक फीमेल हज करने गई थी. अब हज करने के लिए जब फीमेल्स जाती है ना, तो वो मेडिसिन लेके जाती है कि उन्हें पीरियड्स ना आए. क्यों? क्योंकि हज के दौरान अगर पीरियड्स आ गए, हाँ जी, अगर हज के दौरान पीरियड्स आ गए तो वो हज पूरा नहीं कर सकती. बिकॉज पीरियड्स के दौरान आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो हज कैसे पूरा कर सकते. तो पीरियड्स को डिले करने के लिए दे टेक मेडिसिन, ठीक है, और उन्हें 40 नमाजें अपना मस्जिद नबी में भी पढ़नी है. सर वो लेडी जो है ये इस वजह से शी गॉट सिक, सो सिक कि जब वो हज से वापस आई है वो 4 महीने मेडिकेशन में थी और 1.5 महीना बेड रेस्ट में थी. बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन. एग्जैक्टली, वो ओवर किल हो गई, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ होगा, हार्मोनल इनबैलेंस हुआ, मसला खराब हुआ बॉडी के अंदर. एंड अब मुझे लेडीज का इतना नहीं पता ऑब्वियसली, और ना मैंने इतना ज्यादा पूछा, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि वो 1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट पे थी और 4 महीने वो मेडिकेशन पे थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुलशिट. व्हाई 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 डू यू हैव टू कंट्रोल योर पीरियड्स कि तुम हज पे जा रहे हो? क्या स्टुपिडिटी है यार. हेलो, ओके, लगता है जी नहीं, मेरे इंटरनेट में अजाब आया हुआ था. मेरे इंटरनेट में अजाब आया हुआ था. बिल्कुल आपने सही फरमाया. तो ये सारी चीजें जो है वो तो खुद मोमिन हजरात को सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है. हमारे साथ सैयद यजीद साहब भी जुड़े हैं सेम टीम से, एक मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, थाइमा जी और ये सारे लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सैयद साहब आपका फिर से स्वागत है. इनसे शॉर्ट में बात करके फिर हम एक मोमिन हजरत हजरत जुड़े हैं उनसे बात करेंगे. जी सैयद साहब. जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. एडम साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ सर, आप सुनाइए क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक, बस कुछ भी नहीं, बस मैसेज आया तो मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लूं, एडम साहब आए हुए हैं. अरे 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 अरे, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू सर. थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों की टीम का, आपकी सपोर्ट का. सर जबरदस्त काम कर रहे हैं. मैं आप लोगों को भी पीछे देखा है, पहले कोई आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों का नाम था. मैंने आपकी कुछ पुरानी वीडियोस भी स्किप फॉरवर्ड करके चंद तक देखी थी. मैं देख रहा था आप लोग क्या काम कर रहे हैं. सो गुड सर, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप लोग. कैरी ऑन एंड कीप इट अप. व्हाई डिड यू चेंज द नेम? आउट ऑफ द बॉक्स वाज प्रीटी डीसेंट, इट वाज अ गुड नेम. बस कुछ सजेशंस आई कि उसकी रीच ज्यादा है एक्स मुस्लिम्स की, तो हमने इसे चेंज कर दिया. कोई खास रीजन तो नहीं थी उसकी, और बाकी रीच बड़ी भी उससे. Out of the box is more of a English kind of a name where it's very difficult to distinguish whether it is kis type ka channel hai. When you say ex-Muslim, that kind of says clearly ke what type of channel it is. But naam bahut zabardast tha, out of the box. I like this. I like the whole theme of it, like out of the box, thinking out of the box, going out of the box, staying out of the box. You know, it was very tempting. Like, बड़ा किसी ने, जिसने भी बनाया था, बड़ा सोच के नाम बनाया था, लेकिन obviously वो जिस दिस होल आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता. तो yes, you're right. वो मेरा ही आइडिया था बेसिकली, वो लोगों का भी और आउट ऑफ द बॉक्स के भी, लेकिन फिर फीडबैक आई कि भाई इसकी रीच नहीं है इतनी, और जो सर्च स्ट्रिंग जो लोग लगाते हैं वो एक्स मुस्लिम के लगाते हैं, तो फिर इसलिए हमने कहा चलो चेंज कर लो. कोई नहीं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सैयद यजीद साहब, हम बैठे हैं, आप लोग काम करते रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे. चूंकि यू गाइस डिजर्व दैट, तो हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों को आपके बारे में बताने की. तो वी आर विथ यू, डोंट वरी. वैसे सैयद साहब का नाम भी बिल्कुल मुतफर्रिक है, ऐसा नाम कभी भी सुनने में आता नहीं है. यजीद के साथ हुसैन या हुसैन के साथ यजीद, ये पहली दफा मैंने देखा. ये एडम साहब ने भी मुझसे पूछा था जब मैंने एक दफा कॉल की थी ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं ना है. यजीद और हुसैन एक फ्रेम में कैसे आ सकते हैं? बस ये पुराना नाम है. जी, ये नाम ही तो बड़ा जबरदस्त है, ये नाम ही आउट ऑफ द बॉक्स है. ये नाम ही आउट ऑफ द बॉक्स. अरे अरे सोचो, ये तो फिर भी इन्होंने समझो फेक नाम रखा रहेगा. साजिद,
हम लोग जब मैं एलएडीज था तो उसमें एक जो है वो बंदा था, उसका नाम नदीम था, ठीक है। तो वो एकदम हटेला जो है वो दाई था वो, और मुनाजिर था, खास करके वो बरेलवी मौलाना, देवबंदी मौलाना लोग को पकड़ पकड़ के कॉल कर करके वो जो है ना, फिर रिकॉर्डिंग यूट्यूब और बाकी जगह उनके ग्रुप थे बहुत सारे व्हाट्सएप और ये जगह, वो शेयर कर रहा था। तो उसने अपने बच्चे का नाम जो है वो यजीद हुसैन करके कुछ रखा था, क्योंकि एलएडीसो में एक जो बड़ा तबका है वो यजीद का दिफा करता है। बिल्कुल। हाँ, सिर्फ दफा ही नहीं करता, वो अमीरुल मोमिनीन जानता है उसको। हाँ, तो वो इस वजह से उसने अपने बच्चे का नाम जो है ना यजीद हुसैन या हुसैन यजीद इस तरीके से रखा था। तो बहुत गालियां सुनता था वो वैसे भी, लेकिन वो यजीद तो बिल्कुल काफी दूर उसका की भी बात हो गई ना साहिल साहब। हाँ। अगर आम आवाम में से कोई रख लेता है मुआविया नाम, तो अहले सुन्नत वल जमात उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हकारत की निगाह से देखती है हमेशा। मुआविया को जो हाँ कि उतना उसको नहीं कहा जाता, कातिब वही कभी खिताब दिया जाता है। बहरकैफ यजीद तो जानशीनी उसकी जो हुई थी वो बड़ी शराबी कबाबी उसके तौर पर गिना जाता है, और करबला का वाकया भी उसी के रूबरू हुआ, लेकिन मुआविया का नाम भी रखना पसंद नहीं करते। जी लेकिन एक साहब हैं, बुजुर्ग हैं, जो जिनका नाम है बायजीद, बायजीद बुस्तामी। हाँ, सिर्फ यजीद नहीं, बायजीद। वाह जी वाह। अरे बायजीद वाह। बुस्तामी। हाँ जी, चलिए कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। एक मोमिन हजरत हजरत है, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। गुलफाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी गुलफाम साहब, यार नॉन मोमिन लोग प्लीज नहीं जुड़ो यार, अमित आपको सीधा ब्लॉक कर रहा है। क्या मतलब है, मोमिन हजरात को जुड़ने के लिए दो। मोमिन हजरात जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोग अगर अपने इस्लाम को वाकई में सच्चा समझते हैं तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जुड़कर अपने इस्लाम का दिफा करें, अपने रसूल का दिफा करें, वरना आप जो है फिर मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर आप इस्लाम का दिफा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इस्लाम का दिफा करने के लिए नॉलेज या इस तरीके के डिस्कशन से ज्यादा जंग का ख्याल रखना, यानी जंग की सोच रखना ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमित साहब को कहूंगा कि मैंने वो जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था व्हाट्सएप पे, जरा वो चला दे, क्योंकि एडम साहब भी है तो थोड़ा सा उस पर रिएक्शन हो जाए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का वो वीडियो है, खास करके जो एडम साहब हमेशा वो हदीस बताते रहते हैं जंग के ताल्लुक से और जिहाद के ताल्लुक से, बिल्कुल वही हदीस जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब भी बता रहे हैं। अब एडम साहब को तो आप कह सकते हैं झूठ बोलता है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद को क्या कहेंगे जो वो ये सोच दे रहे हैं, रसूलुल्लाह वाली सोच, कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, आप जो है वो मुनाफिक है अगर आपने जंग में हिस्सा ना लिया हो, या फिर आपके अंदर वो एक जज्बा ना हो कि मुझे जंग का हिस्सा बनना है। तो ये इस्लाम यही सोच देता है। अब हमको तो आप झुटला दोगे, डॉक्टर इसरार अहमद जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नालायक साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट उर्दू बोलने वाले जो ओरेटर है वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्ला अलैह, उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो वो क्या कह रहे हैं देखते हैं। एडम साहब चलाएं, जी जी सर, चलाएं चलाएं। जी अमित। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान मरा इस हाल में कि ना उसने अल्लाह की राह में कभी जंग की, ना जंग की ख्वाहिश रखी, ना उसके दिल में शहादत की आरजू थी, मा ताला शोबत मिन निफाक, तो वो एक किस्म का मुसलमान पर मरा है ईमान। रोकना अमित, नियत ये रोकना। रखो कि अल्लाह वो वक्त लाए कि सिर्फ अल्लाह के दीन की गलबे की जिद्दोजहद में जंग का वक्त आए और हमारी गर्दन कटे। ये वो आरजू है जो आरजू की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाए। ये बार बार लज्जत मुझे हासिल हो अल्लाह की राह में गर्दन कटवाने की। साहिल, अगर इस बंदे का चैनल क्या बंद ना हुआ होता ना, इस बंदे का चैनल बंद हो गया हुआ है क्योंकि मर गया भाई है, और बंदे का चैनल बंद कर दिया था यूट्यूब ने, लोगों ने जब इसको रिस्पॉन्ड किया, टैग किया था बहुत ज्यादा कि एंटी
जूश कंटेंट बहुत ज्यादा है और वगैरह वगैरह के हाँ ऊपर। और अगर ये बनना हुआ था सर, इट वाज अ गोल्ड माइन। आपको बताऊं, डॉक्टर इसरार की कुरान की तफसीर की 40 केसेटों का सेट था। केसेटों को पुराने जमाने में केसटें होती थी, यू नो, केसटें, पहले डीवी डी 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 सीडी आई थी, सीडी से पहले केसटें होती थी। वो 40 की 40 केसटें मेरे पास थी। मैं इसको सुना करता था दफ्तर जाते हुए, किसी और जगह जाते हुए, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर अपनी गाड़ी में केसेट प्लेयर के अंदर लगा के। दैट इज हाउ मच आई यूज टू लिसन टू दिस इडियट, राइट? एंड ये सही वाला मुसलमान था, लिटरली स्पीकिंग। चंद एक जगह पे बोंगिया जरूर मारता था, लेकिन मोगिया में यानी शुगर कोटिंग जरूर करता था जहां पे रिक्वायर्ड पड़ती थी, लेकिन 80% ऑफ टाइम दिस गाय वाज राइट ऑन द ट्रैक। मारो, मर जाओ, जिहाद करो, कत्ल करो, और जूस कुत्ते के बच्चे। ये बेस थीम था जूस से इसको एक अलग तरीके की नफरत थी इस बंदे को, इस बंदे को भी यहूदियों कुरान की से। है ना? नहीं, सर हाँ, कुरान नहीं को थी मतलब ना। ये जाहिर भी करता था ना। हाँ भाई, देखो, जो अगर ये कुरान की तफसीर कर रहा है तो इसको जाहिर करना पड़ेगा। द हेट्रेड टुवर्ड्स द जू इज वन ऑफ द मोस्ट इनहेरिटेंट इनहेरिटली बेस्ड एंड डिग डीप इनटू द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। क्यों? मैंने बहुत दफा बात बताई हुई है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद को जब भी बातों के अंदर किसी ने जलील किया है, वो यहूदियों ने किया है। एवरी टाइम आप देख लें, यहूदियों की जितनी भी डिस्कशंस हैं, जो भी उठा लें, चाहे एंड में आपको लग रहा हो कि ये मोहम्मद जीता है क्योंकि मुसलमानों ने उसे उस तरीके से लिखा है कि जीता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बताओ जी, किसी को नहीं पता, ये सिर्फ नबियों को पता है और ये सिर्फ अल्लाह को पता है, इन 3 सवालों के जवाब दे दो। मोहम्मद ने 3 सवालों के जवाब दे दिए। ओके, हाँ, हम तुम पे ईमान ले आए। कैसे ले आए भाई? तुम नबी नहीं, तुम अल्लाह नहीं, और मोहम्मद ने अगर जवाब दे दिया है, तुम्हें कैसे पता लगा कि मोहम्मद ने सही जवाब दिया कि नहीं दिया? लाइक सीरियसली स्पीकिंग, एक आम जो इस बंदा आगे कह रहा है, हाउ स्ट्यूपिड इट इज। देर आर सो मेनी थिंग्स। एंड क्रिश्चियंस के बारे में फिर भी कुरान में चंद एक जगह पे, क्योंकि मोहम्मद ने क्रिश्चियंस के साथ पहली जो हिजरत की थी, अपने दोस्तों को भेजा था उधर क्रिश्चियन इलाके में, जब काफिर मक्का जो है उनसे लड़ाई करने के लिए, पहले इसने मदीना में हिजरत करने की बजाय उधर हिजरत की थी, क्या नाम है यार उसका, हफशा के पता नहीं क्या, वहां पे हिजरत की थी, हफशा, वहां हफशा पे कहते वो नजाशी के पास। नजासी के पास, तो वहां पे उसके साथ दोस्ती जारी करने के लिए मोहम्मद ने क्रिश्चियंस को शुरू में अच्छा कह दिया था। लेटर ऑन जब मदीना में ताकत हासिल हुई तो क्रिश्चियन भी बुरे हो गए। और ये एक ही आयत में भी हो, एक ही सूरत में भी हुए हैं, 5:28 से लेके 5:51, इन दोनों के दरमियान में आपस में लड़ाई शुरू हो गई हुई है। लाइक दो, एक ही सूरत में 28:51 आयत में लड़ाई है। एक कह रही है दोस्त हैं, अच्छे हैं, एक कह रही है नहीं, बड़े बुरे। एनी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेकिन यहूदियों के बारे में एग्जैक्टली कुरान की किसी भी आयत में अच्छाई नहीं लिखी हुई। क्यों? सवाए सूरह बकरा की शुरू की आयत में, सूरह करेक्ट, बकरा की शुरू शुरू की आयत में आता है कि ये वो लोग जो के साबीन हैं या यहूदी हैं या नसारा हैं, ये सब जनती हैं अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो। क्यों? अभी उसने रिसेंटली की थी, वहां पे यहूदी लोग थे, यहूदियों को अपने साथ मिलाना था। यहूदी साथ नहीं मिले, उन्होंने कहा तो झूठा नबी है, यहूदियों को निकाला, फिर बाद में कत्लों कताल किया। दिस इज द रियलिटी। हेट्रेड टुवर्ड्स द जू इज द इनहेरेंट बिलीफ सिस्टम ऑफ इस्लाम, इनहेरेंट बिलीफ सिस्टम। और दूसरा, लड़ाई, लड़ाई जैसा कि उसने बताया, अपना क्या नाम है इनका, डॉक्टर इसरार ने, ये सुनन नसाई की हदीस है कि, और सही हदीस है कि आपने एटलीस्ट सोचना है कि आपने जिहाद करना है। अगर सोच भी नहीं रखते तो आप नफाक की ब्रांच पे, यानी कि हिपोक्रेसी की ब्रांच पे मरोगे। हाय हाय, डॉक्टर इसरार क्या याद करा दिया साहिल यार, बचपन का प्यार है मेरा लेकिन यार ये। लेकिन एडम साहब, ये मोमिनों को सोचना चाहिए, जो पीस पीस कहते हैं और वो डिफेंसिव 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 करके जो है अपने आप को दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है करके एक शायरी है ना, तो जी वो, जी हाँ, वो तो इधर पूरा खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहते
कह रहा है कि ये तो आप निफाक पे मर रहे हो अगर आप जंग का हिस्सा नहीं है या आपकी ख्वाहिश नहीं है। अरे भाई पीसफुल सोच वाले जंग की ख्वाहिश क्यों करेंगे भाई? Who the hell on the earth who is peaceful, जिसको पीस पसंद है उसकी ख्वाहिश हो कि मैं जंग का हिस्सा बनूं, काट दिए जाऊं, फाड़ दिए जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जिहाद में जाऊं, फिर गर्दन कटे मेरी, वो भी दीन के गलबे के लिए। लेकिन सर आप कहा किसने इस्लाम मींस पीस? मैं मोमिन हजरात जो कहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ओके और आपको जब मोमिन कहते हैं इस्लाम इज पीस आपको लगता है कि वो सत्य बोल रहे हैं तो फिर ठीक है भाई, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता साहिल भाई। नहीं ये चीज तो ये जो बोंगी जो डाली थी पीस वाली ये असल में डॉक्टर जाकिर नालायक साहब ने डाली थी, लेकिन ये आज के जो उलमा है मतलब कई सारे वो लोग जो इससे बाहर आ रहे, अभी ये मुफ्ती वजड़ी भी जो है वो भी कहता है कि इस्लाम कौन कहता है पीस का मजहब है, पीस किसने कहा है? ये उस तरीके की बातें ये अभी अग्री करता है कि यू कैन नॉट से कि ये पीस है सबमिशन है सर। एग्जैक्टली क्योंकि देखो ये एक नई गेम जाकिर नालायक ने डाली और प्रॉब्लम्स विद जाकिर नालायक वाज के बैक इन दोस डेज वो बड़ा फेमस था, क्यों कि वो दो नंबरी करके लोगों को इस्लाम में दाखिल करता था, ठीक है, तो फेमस हो गया। तो उसने गेम डाली इस्लाम इज पीस, इस्लाम उसने कहा था कि इस्लाम कम्स फ्रॉम द वर्ड सलम एंड सलम मींस पीस, दिस इज हाउ ही एक्चुअली मेड द कनेक्शन। लेकिन इस्लाम डज नॉट वर्ड्स फ्रॉम कम डज नॉट कम फ्रॉम द वर्ड सलम। इस्लाम देखो सलम के लिए आपने अलिफ को उठाया, पहले आप पहले अलिफ को कैसे हटा सकते हैं? इस्लाम कम्स फ्रॉम द वर्ड असलम, असलम मींस सबमिट करना अपने आप को, सबमिट करना। इस्लाम द वर्ड इस्लाम कम्स फ्रॉम द वर्ड असलम, तू वहां से इस्लाम बना सबमिशन से, नॉट फ्रॉम सलम। सलम मींस पीस, यस आई एग्री सलम मींस पीस। इस्लाम डज नॉट मींस पीस बिकॉज इस्लाम जो है वो सलम से नहीं निकला, वो असलम से निकला विच मीन्स सबमिशन। तो इस्लाम का मतलब है वो बंदा जो अपने आप को फुली सबमिट कर देता है अल्लाह की विल के लिए। अल्लाह की विल क्या है? दुनिया में जाओ लड़ो और हर किसी को इस्लाम कबूल कराओ। तो इस्लाम इज इनहेरेंटली अबाउट फाइटिंग विद ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, अंटिल दे एक्सेप्ट इस्लाम। बहुत सही। अच्छा एडम भाई वो आप बोल रहे हैं इसरार अहमद के आपके पास में 40 ऑडियो कैसेट है, वो अभी भी है? सर अब तो कहां पे कैसेट पड़ी हुई थी, खत्म। कैसेट के बाद मैंने सीडियां ली थी, सीडियो के बाद मैंने डीवीडीयां ली थी। तो डीवीडी तो अभी भी आपको मिल जाती है यार ऑनलाइन मार्केट से, क्या मसला? ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपके पास में है तो उनके ऑडियो आप ये कर सकते हैं ना अपलोड? इस वक्त मेरे पास नहीं पड़ी हुई लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, मैं दोबारा मिल जाएगी। मैंने सीडियां भी खत्म करती थी, बल्कि मेरे ख्याल में मेरे पास डॉक्टर इसरार की इस वक्त MP4s पड़ी होनी चाहिए कहीं ना कहीं पुरानी मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर, क्योंकि बाद में देखो ये रेवोल्यूशन आया ना, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरे पास कैसेटें थी, फिर मैंने डीडियां ली थी, फिर उसके बाद मैंने USB के अंदर उसके MP4 ट्रैक्स डाल के तो वो लगा देता था बिकॉज दैट वॉज ईजी। और मेरा मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरे पास उसके MP4 पड़े होंगे, MP3s या MP4s पड़े होंगे कहीं ना कहीं। अगर है तो दीजिए, मैं अपलोड करता हूं। आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, यू कांट अपलोड द होल थिंग। आप उसके ऊपर टिप नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट चीज को अपलोड नहीं कर सकते, करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। आप पार्ट पार्ट में करेंगे और उसमें अपना इनपुट देके करेंगे ना? हाँ, एज लॉन्ग एज आप उसके ऊपर टिप नहीं दे रहे हैं अपनी तो ठीक है, लेकिन उसको एज इट इज अपलोड ना करना। मैं देखता हूं, अगर मुझे मिलता है तो मैं ढूंढ के निकाल देता हूं। ओके अच्छा मोमिन हजरत सर साहब ने, हाँ जी नहीं बोलो साजिद बोलो फिर मैं मोमिन को ले रहा हूँ, बोलो। वही मैं कह रहा था, असरार साहब ने अपनी जिंदगी के 40 साल ओढ़ना बिछौना बना दिया था कुरान को, और कुरान पे उनकी स्पीच भी जबरदस्त होती थी, हालांकि मैं भी बहुत फॉलो करता था, लेकिन शुरुआत मैंने बहुत सुना है भाई, पीस टीवी पे ही सुना है डॉक्टर इसरार को, पीस टीवी पे बहुत सुना है मैंने। हाँ अच्छा, इतनी इतनी बात पे अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप जिहाद कर नहीं सकते हाथ से तो उसको खिलाफ कम से कम बोलिए तो सही, और उसको सही जानिए, जबान से जिहाद करना है। लेकिन अगर नबी की सीरत देखते हैं, नबी ने तो कहा कि अगर किसी को बुखार नहीं आया तो वो भी जहन्नमी। इतनी इतनी बातों पे किसी को जहन्नमी बना देना, क्या क्या मोमिनों से सवाल है?
ये दुरुस्त है क्या? नहीं क्यों आया था, मैं मुफरत की हदीस है नहीं 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 मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ क्यों इसने कहा था, पता है क्या हुआ था उसकी तरह, उसकी तरह हिस्ट्री में जा, वो हुआ ये था कि मोहम्मद का बुखार चढ़ गया था, मोहम्मद का बुखार चढ़ गया तो लोगों ने कहा कि इसको बुखार इसलिए चढ़ा है कि अल्लाह इसको अजाब दे रहा है, ठीक है, लोगों ने कहा कि इसको अजाब आ रहा है क्योंकि पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने में ये होती थी कि जब किसी को बीमारी होती थी ना तो लोग कहते कि यार इसको जो रब है ना, जो भी रब है उस टाइम का, वो इसको अजाब दे रहा है क्योंकि इसको इसको तकलीफ आई है, इसको अजाब मिल रहा है। मोहम्मद ने कहा नहीं, बुखार जो है वो जहन्नम की आग है, सो जिसको बुखार होता है ना तो उसके जो गुनाह होते हैं वो धुल रहे होते हैं क्योंकि जहन्नम की आग है, और इसको पानी से बुझाओ तो ज्यादा पानी पियो, तुम पानी से इसको बुझाओ, और जिसको बुखार नहीं आता ना वो साला जहन्नम में जाएगा क्योंकि उसे इस दुनिया में अजाब नहीं मिल रहा। हाँ, वो तो दुरुस्त।